नमस्कार साथियों, आज हम दो टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका वीजा कंपनी कैंसिल कर देती है, ठीक है जी। उसके बाद में बोलती है कि आपको एक सेवा नोटिस, आपको एक महीने नौकरी करनी पड़ेगी, तब हम आपको जाने देंगे, एक बात पे। दूसरे पॉइंट ये हो सकता है कि कंपनी आपको 5-7 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है, जी हाँ, तो आप अपना वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। आपके ऊपर रोजगार प्रतिबंध नहीं लगा सकती कंपनी, और वहां से इस्तीफा देके आप कैसे दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, अपना वीजा लगवा सकते हैं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, जो लोग खासतौर से दुबई में रहते हैं। तो आप भाई वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, दुबई का जो रोजगार कानून है 1980, उसके तहत में आप किसी भी कंपनी में इस्तीफा देते हैं तो उससे पहले आपको नोटिस देना होता है 30 दिन, कम से कम 30 दिन से लेकर 90 दिन का हो सकता है, 30 दिन का आपको नोटिस देना होता है कि 30 दिन के बाद में आप, मैं जॉब छोड़ रहा हूं, ये मेरा इस्तीफा है। तो आपको क्या होता है, 30 दिन तक कंपनी में काम करना होता है, कंपनी बदले में आपको तनख्वाह देगी, उस दौरान आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपने इस्तीफा दे दिया, फिर आपका वीजा कैंसिल होगा, उस पर आपके साइन होंगे, वीजा कैंसिल होकर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, जो भी आपका हिसाब है हो जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन इसके उल्टा अगर कंपनी आपका वीजा रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है, ठीक है, आपने इस्तीफा दिया, कंपनी ने वीजा रद्द कर दिया, अब कंपनी ये बोलती है कि वीजा आपका रद्द हो गया लेकिन आपको 1 महीने तक कंपनी में काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तब हम आपको यहाँ से जाने देंगे या फिर आपका पासपोर्ट देंगे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है। जबकि सच्चाई ये है कि आपने सिर्फ इस्तीफा दिया था कंपनी में, वीजा रद्द पे, वीजा कैंसिल पे साइन नहीं किए थे। अब ये पासपोर्ट में वीजा रद्द कैसे हो गया भाई, ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें गलती हो सकती है। कभी ना कभी कंपनी के जो फॉर्म है वीजा कैंसिल फॉर्म पे आपने साइन किए होंगे, कंपनी ने फिर उसको मोहरे में जमा करवा कर वीजा कैंसिल कर दिया होगा, फिर आपको बोला होगा कि भाई आपका वीजा कैंसिल हो गया, फिर 1 महीने आपको काम करना पड़ेगा, उस दौरान आप क्या करोगे जी? देखिए यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आपका वीजा कैंसिल हो जाता है या रद्द हो जाता है, उसके बाद में कंपनी के बीच में आपके बीच में आपका जो एग्रीमेंट है, आपका करार है, आपका जो संपर्क है, वो टूट जाता है। नहीं तो कंपनी को आपसे मतलब होता है, नहीं आपको कंपनी से कोई मतलब होता है। इसका मतलब ये हो गया फाइनल कि कंपनी आपका जब वीजा ही रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, आपको पता ही नहीं लगा, तो फिर कंपनी 1 महीने का नोटिस आपको कैसे दे सकती है और कैसे आपसे काम से करवा सकती है भाई? मैट्रिक खत्म हो गया, समझ रहे हैं बात को, तब कंपनी कैसे नोटिस दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। हाँ, जब तक वीजा रद्द नहीं हो, कैंसिल नहीं हो, उससे पहले 1 महीने का नोटिस पे आपसे काम करवाने के लिए बाध्य कर सकती है और आपको करना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वीजा रद्द होने के बाद में कंपनी का आपका संपर्क खत्म है, आपको उनको नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है, और नहीं आप वहां पे काम करना चाहते हैं तो न करें, कोई आपको दिक्कत और नई परेशानी नहीं आने वाली है। जी हाँ, अगर फिर भी कंपनी ऐसी कोई हरकत आपके साथ में करती है, जबरदस्ती दबाव देती है, तो बता दूं 340 का अनुच्छेद 1980 340 में साफ साफ प्रावधान किया गया है, कंपनी के ऊपर 50,000 दुबई दिरहम का जुर्माना लग सकता है। सेम कंडीशन वो है जैसे विजिट से काम करवाती है, विजिट वाले बंदे से, या फिर बिना वीजा वाले से कंपनी काम करवाती है, सेम आपकी कैटेगरी भी उनके साथ वैसी है, क्योंकि कंपनी ने आपका वीजा रद्द कर दिया, रद्द करने के बाद वो काम करवा रही है, इसका मतलब आपसे इलीगल काम करवा रही है, तो उसके ऊपर जुर्माना 50,000 दुबई दिरहम का हो सकता है। अगर आप ये कानून जानते हैं और कंपनी आपसे नाटक, आपसे ऐसी बातें करती है, तो आप उनके साथ ये बातें कर सकते हैं, कंपनी आपको दोबारा नहीं बोलने वाली है। जी हाँ, आगे अगर बात करें दूसरे टॉपिक पे कि भाई किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, 5-7 महीने से कंपनी आपको तनख्वाह नहीं दे रही है, जी हाँ, कंपनी आप इस्तीफा कंपनी में देना चाहते हैं, कंपनी वो इस्तीफा भी स्वीकार नहीं कर रही है, नहीं वो आपका वीजा कैंसिल कर रही है, नहीं आपको तनख्वाह दे रही है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे? क्योंकि वो तनख्वाह ही नहीं दे रही है तो जॉब तो आप बदलोगे ना, आप जॉब दूसरे जॉब में जाओगे या फिर आप इंडिया आओगे, कुछ भी करोगे, तो ये आप कैसे क्या कर सकते हैं? क्या आप दूसरा वीजा लगवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप दूसरा वीजा लगवा सकते हैं। आपको रोजगार, दुबई का जो रोजगार कानून है 1980 के तहत, जी हाँ, कोई भी अगर आपकी नियुक्ता, आपकी कंपनी अगर आपको 60 दिन के तक यानी 2 महीने तक आपकी सैलरी बकाया रखती है, या आपके अग्रीमेंट में जो बातें लिखी हैं उसमें विफल होती है, उसको वो कंप्लीट नहीं करती है, तो बता दूं धारा 131 एक्ट में कानून के हिसाब से आप बिल्कुल इस्तीफा दे सकते हैं कंपनी को बिना बताए। जी हाँ, कंपनी को आपका वीजा कैंसिल करना पड़ेगा और आप इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरी कंपनी में आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर पहली कंपनी आपका ये प्रोसेस में सहयोग नहीं कर सकती है, तो आप मोहरे में जाके कंपनी के खिलाफ में शिकायत करें कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपको एविडेंस तो रखने पड़ेंगे, कंपनी हमें इतने टाइम से तनख्वाह नहीं दे रही है, ये हमारा अग्रीमेंट है, ये प्रॉब्लम है, तो मोहरे उसको बाकायदा निर्देशित करेगा कि
इनका वीज़ा कैंसिल किया जाए और इनको छुट्टी दी जाए ताकि आप फिर दूसरे प्रोसेस में चलें, दूसरी कंपनी में अपना वीज़ा अप्लाई करें या अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं अगर कंपनी आपके साथ है और आपको लगता है कि भाई नहीं कंपनी सही नहीं है, पगार नहीं सही नहीं दे रही है, बल्कि एविडेंस आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब आप मोहरे में जाओगे ना, कंपनी तो चाहे कितनी भी घटिया हो भाई, कंपनी आपको चाहे 2 साल से तनख्वाह नहीं दे, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि आप इस्तीफा देकर हम आपका वीज़ा कैंसिल करते हैं और आप दूसरी कंपनी में चले जाएं, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन ये प्रोसेस आप कर सकते हैं मोहरे में जाके शिकायत के द्वारा, तब ये प्रोसेस हो सकता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।